मध्य प्रदेश के जिला उमरिया पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में पुलिस मुख्यालय भोपाल के द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में चलाई जा रही डायल 100 नंबर प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित किया गया। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के पुलिस अधीक्षक मुकेश वैश्य के द्वारा मध्य प्रदेश की डायल 100 नंबर योजना के संबंध में नव आरक्षकों को दिए जा रहे प्रशिक्षण के संबंध में संक्षिप्त जानकारी से अवगत कराया गया। आयोजित कार्यक्रम में पन्नालाल तिवारी उप पुलिस अधीक्षक रेडियो रेंज शहडोल एवं उप निरीक्षक रेडियो SK श्रीवास्तव के नेतृत्व में भोपाल से आई डायल 100 नंबर की संयुक्त टीम के सदस्य मोहन सिंह, निरीक्षक रेडियो केशव पटेल, उप निरीक्षक रेडियो सुश्री अनामिका सोनकर एवं पुलिस के समस्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। पेश है उमरिया के संवाददाता शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। किया गया है उसमें नए आरक्षक हैं जिनमें यहाँ 455 के करीब हैं और इन 455 जो आरक्षक हैं सभी को इनमें से 90 से ज़्यादा परसेंटेज के आरक्षक हैं उन सभी को FRV में लगाया जाएगा, यानी कि डायल 100 के वाहनों में लगाया जाएगा। जो पूर्ण प्रशिक्षित होंगे इनको सभी तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसमें डायल 100 है, साथ ही CCTV से संबंधित प्रशिक्षण भी है और एवं अन्य पुलिस की अन्य कार्रवाइयों का सभी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में सभी आरक्षक अभी नए हैं और इनके द्वारा संपादन अच्छे से किया जाए डायल 100 का, इसके लिए इनको अच्छे से प्रशिक्षण देने के बाद भी परीक्षण भी करा जाएगा जिसमें इनका फीडबैक भी लिया जाएगा, साथ ही इनके आंसरिंग भी की जाएगी जिससे ये वास्तव में सीखे हैं अथवा नहीं सीखे इसकी भी मार्किंग की जाएगी और प्रत्येक का मूल्यांकन करने के बाद ही इन्हें